तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है वसंतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया तुमकुरु में, जहाँ पर दामोदर मोटर्स बस बॉडी बिल्डर्स का प्लांट है, उसके नज़दीक ही है हम। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं केरलाज फर्स्ट एवर दामोदर बिल्ट एसी सीटर प्लस स्लीपर बस। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, सेरा ट्रैवल्स केरला बेस्ड ऑपरेटर है, उनको श्री दामोदर कोच क्राफ्ट्स ने ऑलरेडी एसी स्लीपर बसेस डिलीवर हो गई है, पर ये वाली जो है ना एसी सीटर प्लस स्लीपर है। और दामोदर मोटर्स और श्री दामोदर कोच क्राफ्ट्स दोनों सेम ही है, बट वन इज हैंडल्ड बाय द डैड एंड वन इज हैंडल्ड बाय अ सन। मतलब एक ही घर की कंपनी है दामोदर मोटर्स एंड श्री दामोदर कोच क्राफ्ट्स। श्री दामोदर कोच क्राफ्ट्स है डाबा स्पेट में, और ये दामोदर मोटर्स जो है इट इज़ इन वसंतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया। दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और केरला में फर्स्ट टाइम एसी सीटर स्लीपर बिल्ट बाय दामोदर मोटर्स, इसलिए मैंने टाइटल ऐसा रखा है कि केरलास फर्स्ट दामोदर मोटर्स बिल्ड एसी सीटर प्लस स्लीपर एंड इट इज़ बिल्ड ऑन अशोक लीलैंड 13.5 मीटर चेसिस। तो सानिया ट्रैवल्स इज अ केरला बेस्ड ऑपरेटर एंड द रूट ऑफ दिस बसेस वो होने वाला है फ्रॉम बेंगलुरु टू शबरीमाला। और ये जो डिज़ाइन है उसको उन्होंने कहा गया है, दामोदर मोटर्स ने इसको नाम दिया है दामोदर हाई डेक प्लस। ये डिज़ाइन आपने अभी तक सिर्फ विजयानंद ट्रैवल्स की नॉन एसी स्लीपर बसेस है जिसका हमने वीडियो बनाया था उसी में देखा होगा, वरना ये डिज़ाइन मार्केट में नया है। और अभी दामोदर मोटर्स बस बॉडी बिल्डर्स अभी काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, उनका एकदम ग्रोथ स्टेज है। डिज़ाइन वगैरह बहुत हटके कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं। मतलब अगर आप अदर बस बॉडी बिल्डर्स से कंपेयर करेंगे, एकदम देखिए रोबस्ट लुक आपको इस बस के फ्रंट लुक में ही मिल जाता है। और कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, फिनिशिंग वगैरह मैंने छू कर देखा, इट इज़ नेक्स्ट लेवल, नो डाउट इन दैट। और ये DRLs वगैरह भी उन्होंने दिए हैं, ये हेडलाइट्स है, फॉग लैम्प है, और ये ग्रिल, भाई साहब मतलब ये मुझे एकदम BMW की याद दिला रहा है ऑनेस्टली। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में वो कमेंट करके बताइए। दामोदर मोटर्स का DM, दामोदर मोटर्स का लोगो यहाँ पे आ जाता है। और दामोदर मोटर्स की एक ख़ास बात मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो वो ये है कि कम से कम समय में ये गाड़ी आपको बना के दे देंगे। अगर आप दूसरे बस बॉडी बिल्डर्स के पास जाए ना तो नोट इट डाउन, कम से कम 2.5 से 3 महीना लगेगा आपको बस बनाने में। और ये बसेस 45-50 डेज में उन्होंने बना के दी है, दे एक्चुअली प्रॉमिस 45 डेज, बट आपको पता ही होगा जो ऑपरेटर से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पर 2 महीने से कम में तो आपको बॉडी बना के दे देंगे वो। ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। अभी दूसरे बस बॉडी बिल्डर्स, आई डोंट वॉन्ट टू टेक द नेम्स, बट कोई लोग 8 महीने ले रहे हैं, 3.5-4 महीना तो वेटिंग पीरियड, मतलब चेसी डिलीवर होने के बाद, दैट इज़ तो वेरी कॉमन। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट अबाउट दामोदर आई वुड से। और यहाँ पे स्पीड वाईफाई, लाइव ट्रैकिंग एंड ऑल दैट वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अशोक लीलैंड की चेसी से 13.5 मीटर, इसलिए यहाँ पे आपको उसका साइलेंसर मिल जाता है। DM की ब्रांडिंग फिर से वहाँ पर है, बड़े बड़े मिरर्स है, और साथ ही साथ ये छोटे वाले मिरर भी इन्होंने दिए हुए हैं, बहुत सही चीज़ है। सानिया ट्रैवल्स की ब्रांडिंग है यहाँ पर, यहाँ पे बस का फ्यूल टैंक है। और इस बस की प्राइसिंग, आप लोगों का सवाल होता है आरुष भैया बस की प्राइस क्या है, तो लेलैंड का चेसिस का तो लगभग 44-47 लाख में मिल जाती है। और दामोदर मोटर जो है स्पेसिफिकली फॉर दिस काइंड ऑफ बॉडी एसी सीटर प्लस स्लीपर, और बाकी थोड़ी सी एमिनिटीज उन्होंने डिज़ाइन वगैरह में चेंज कर दी है, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 33-34 लैक्स बॉडी की कीमत बता रहा हूँ। और चेसिस की कीमत होती है 45-46 लैक्स, तो 45+33 78-80 लैक्स, 75-80 लैक्स आप अप्रॉक्स ऑन रोड प्राइसिंग मान के चलिए। और दामोदर मोटर्स ने पहली बार इंडिया में ऊपर की और भी एक DRL के लीजिए, एम्बियंट लाइटिंग के लीजिए वो दिया है, वो रात के समय में इजीली नोटिस हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ से एक लाइट की जो लाइन है वो दौड़ रही है, ये देखिए वो ऊपर की ओर, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ये वाला जो है ना फर्स्ट टाइम इन इंडिया है कोई भी बस बॉडी बिल्डर ने ये कॉन्सेप्ट अभी तक ट्राई नहीं किया है।
बहुत हटके चीज लगी मुझे ये, और पीछे की ओर इमरजेंसी एग्जिट आ जाती है आपको, और ये सब बस का बूट स्पेस है। पीछे की ओर से ये बसें स्कूट ऐसी दिखती है, ऊपर की ओर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, वो देखिए जूम करके दिखा देता हूँ, वो देखिए वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा। फिर से यहाँ पे दामोदर की ब्रांडिंग DM ऐसा लिखा हुआ है, और पीछे भी आपको एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है। हेडलाइट्स वगैरह स्टाइलिश किया है इन्होंने, और यहाँ पर भी DRLs दिए है। दिस इज़ अ यूनिक थिंग आई वुड से, जो बारी किया है ना वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगा कि रेडियम यहाँ पे एक ही दिया है उन्होंने, बट वो आप कस्टमाइज़ करवा के ले सकते हैं। अगर सभी कॉर्नर्स में अगर रेडियम होगा ना तो इट वुड बी मच बेटर, दैट इज़ माई ओपिनियन। क्योंकि रात के वक्त अगर आप जा रहे हैं हाईवे से तो ट्रक्स एंड कार्स को ये बस ईजीली दिख जाएगी इफ देर आर रेडियम्स ऑन ऑल द साइड्स। यहाँ पर दिया है सही है, पर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब कॉर्नर्स पे देना चाहिए था, तो वो ज़रूर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। saniatravels.in उनकी वेबसाइट है, और अभी इस बस के फोटोज रील्स वगैरह भी हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल दी आरुज मर्सिडीज वोल्वोस के इंडिया पे अपलोड करने वाले हैं। देखिए एकदम फोटोग्राफिक एंगल में हमने वो बसेस प्लेस की है ताकि अच्छा फोटो आ सके। और रील्स वगैरह तो दामोदर मोटर्स की जो फैक्ट्री है उससे एग्जिट करते हुए हमने रील बनाया है, वो इंस्टाग्राम पे हमने अपलोड कर दिया है। हमारा वो सिग्नेचर काम है, आप कह लीजिए कि फैक्ट्री फ्रेश एग्जिटिंग फ्रॉम द फैक्ट्री। कोट्टायम का फ़ोन नंबर और बेंगलोर का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऑपरेटर ने मेंशन कर दिया है। तो चलिए अभी इस बस को अंदर से देखते हैं, हर बार की तरह हम शुरू करेंगे केबिन से, और वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि गाड़ी थोड़ी नई है, तो काफ़ी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि केबिन में ही अपने 2-2.5 मिनट चले जाएंगे। सो दोस्तों अभी हम प्लांट के अंदर है, और अभी हम ओनर से एक फीडबैक लेने वाले हैं अबाउट दामोदर मोटर्स, एंड और भी उनसे जानकारी लेंगे अबाउट द बस एंड ऑल। सो सर नी पेर एन रिजु ओके कोट्टायम ആണ് ओके कोट्टायम ആണ് ओके सो एंड व्हाट इज द गोइंग टू बी द रूट ऑफ दिस बस बैंगलोर टू एरिमेली शबरीमला नियर शबरीमला एंड द बस इज गोइंग टू गो वाया व्हिच सिटीज 24 birth and 24th no which cities I mean what we why are which cities Palakkad Thrissur okay Kottayam Kanjanapalli Erumeli and why did you choose Damodar bus bodybuilders because this is your first bus I think because this is Damodar bodybuilders is a super builder okay nama first time ide okay 100% satisfaction ide okay and how long they took to deliver this bus only 45 days okay so only sir bol rahe ಅದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಓಕೆ ಅವರು 90 ಡೇಸ್ ಬರಲು ಓಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ 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 45 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತೋ ಚಲಿಯೆ ಅಭಿ ಈ ಬಸ್ ಕೋ ಅಂದರ್ ಸೇ ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಯಹಾ ಪೆ ಆಪ್ಕೋ ಎಂಟರ್ ಕರ್ತೆ ಹಿ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯೆಗಿ ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಸಾನಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಅ ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಯೇ ಬಹುತ್ ಸಹಿ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಮುಜೆ ಕಿ यहाँ पर एक ऐसा वेलकम सीयू का बोर्ड आपको मिल जाए, साथ ही साथ आपको एंटर करने से पहले एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी मिल जाती है, वो भी आप कस्टमाइज करवा के ले सकते हैं। और कुछ ऐसा है इस बस का केबिन, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इट इज़ मोर देन सफिशियंट, मोर देन इनफ। और यहाँ पे कुशनिंग वगैरह भाई साहब हम जैसे व्लॉगर्स की तो चांदी हो गई है आई वुड से, यहाँ पे मस्त हम बैठ के व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। दो दो फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे दिए हुए हैं, सेफ्टी फर्स्ट एड किट यहाँ पे है, साथ ही साथ कैप्टन दादा अपना सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। और एक चीज़ दामोदर ने ऐड की है वो ये है कि यहाँ पर भी एम्बियंट लाइटिंग लगाया है, वो भी कोई बस बॉडी बिल्डर नहीं करता। और यह अशोक लीलैंड का 4-spoke स्टेयरिंग व्हील, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ये AC के कंट्रोल्स है, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड ऑल अदर CCTV कैमराज का व्यू इसमें आ जाता है। ये देखिए वहाँ पे CCTV कैमरा है, उसका व्यू यहाँ पे आ रहा है।
फिर लाइट्स के कंट्रोल्स वहाँ पे, ऑल दैट बटन्स, बस का क्रूज कंट्रोल का बटन यहाँ पे होता है, लीलैंड का अच्छा सा प्यारा सा लोगो, हॉर्न भी आप कस्टमाइज करवा के ले सकते हैं, माइक भी दिया हुआ है अनाउंस करने के लिए कि अभी मड़ी वाला आ गया, या फिर इट इज़ इन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल आ गया वो, या फिर रेस्ट स्टॉप के लिए गाड़ी रुकने वाली है, वो सब कैप्टन दादा उस माइक के जरिए अनाउंस करेंगे। फैन भी इंस्टॉल करके दिया है, ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं। दामोदर आपको एकदम बढ़िया गाड़ी बना के दे देगा। और भाई साहब मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये वाला बर्थ है ना कैप्टन दादा का, उसके लिए भी उन्होंने अलग से प्रावधान करके इंसिडेंट बनाया है। वो देखिए, अगर आप देख पा रहे हो दो काले कलर के, आपको नोटिस हो जाएगा एसी वेंट। भाई साहब ये मैंने किसी भी बस बॉडी बिल्डर के पास नहीं देखा है कि इतनी बारीकी से उन्होंने काम किया। ये देखिए, दिस इज ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल आई वुड से। फैंटास्टिक वर्क बाय दामोदर मोटर्स। यहाँ पर भी एसी वेंट है, मिरर वगैरह आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। बहुत से बस बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे मिरर लगवा देते हैं। एसी वैन मतलब फुल एसी केबिन हो गई है। ये क्लोज क्यों किया है मुझे पहले डाउट था, बट अभी पता चल गया, एक दो तीन चार, चार चार एसी वेंट उन्होंने यहाँ दे रखे हैं। और ये छोटी सी प्यारी सी सीट है, कुशनिंग पे बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्चा किया है, केबिन की कुशनिंग पे, वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ लगी मुझे। और वो स्पीकर्स वगैरह है एंड ऑल दैट। तो चलिए अभी हम इस बस को अंदर से देखते हैं, क्योंकि अंदर से ये बस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आई वुड से। तो चलिए अभी इस बस को अंदर से देखते हैं। वेलकम ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए, एसी 2x1 एसी सीटर प्लस स्लीपर। लेफ्ट की ओर आपको सीट्स मिल जाते हैं लोअर में, और राइट की तरफ आपको स्लीपर बर्थ मिल जाता है। आप ऐसा भी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं कि लेफ्ट में भी सीट्स एंड राइट में भी सीट्स। तो टोटल सीट्स हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गई 24, और टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 3 18 एंड 18 प्लस दिस 6, 24 स्लीपर बर्थ्स एंड 24 पुशबैक सीट्स। तो टोटल 48 जन इस बस में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो फिनिशिंग है ना, मतलब इट इज़ ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये देखिए, यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऊपर की ओर सीट्स है। मोस्टली बस बॉडी बिल्डर्स अगर आप देखेंगे ना, तो ये चीज़ भी नहीं देखने को मिलती, ये सब एक ही लेवल पे होता है। बट दामोदर ने थोड़ा सा नाजुकी से कह लीजिए, या फिर स्किल्ड वर्क, अटेंशन टू द डिटेल्स दे के काम किया है। और दूसरा पॉइंट मैं कवर करता हूँ इंटीरियर्स में, चप्पल जूते रखने के लिए स्टैंड या फिर जगह। ये देखिए क्या भाई साहब इतनी जगह दी है ना, नेक्स्ट लेवल। मतलब कोई माइनस पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ रहा है, दैट इज़ द थिंग। इतनी अच्छी तरीके से बॉडी बिल्ड की गई है। सीट नंबर्स यहाँ पे मेंशन है, सीट नंबर्स का सीटर स्लीपर जब बस होती है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अभी U6W मतलब अपर सिक्स विंडो, वो तो क्लियर हो गया, W का मेंशन उन्होंने किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रैवलर इन सीटर स्लीपर बसेस टू फाइंड देयर सीट्स। और G1W, अभी G1W मतलब हो गई अपनी ये वाली, W मतलब हो गया विंडो ऐसा है। और राइट हैंड साइड पे जो बर्थ है वो तो क्लियर है, अपर 10 और लोअर 4, वहाँ पे विंडो मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखिए, विजयानंद ट्रैवल्स को जैसे इन्होंने कस्टमाइज करके दिया था ना वी, सेम टू सेम यहाँ पे सानिया ट्रैवल्स का एस आ जाता है, चार्जिंग सॉकेट आ जाते हैं, मोबाइल होल्डर आ जाता है। और ये जो कुशनिंग है ना भाई साहब, मतलब एकदम लग्जरी कार जैसा फील आने वाला है आपको इस बस में ट्रैवल करते वक्त। और सीट नंबर्स में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी जैसा नेम प्लेट जैसा सीट नंबर्स मेंशन कर दिए। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये देखिए U7 ऐसा मेंशन किया हुआ है, एंड दिस इज U4, और नीचे वाला अगर आपको ढूंढना है तो L2। अगर L2 यहाँ पे भी वो लिख देते ना तो और ज़्यादा बढ़िया होता,
मतलब हम आई साइट पे तो यही आता है, तो U7 एंड L3, L3 यहाँ पर भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, पर L3 यहाँ लिख देते एंड इफ दिस वुड हैव बीन प्लेन नो तो थोड़ा सा सही हो जाता, क्योंकि नीचे झुक के आपको देखना पड़ेगा, बट ठीक ही है। पुशबैक सीट्स इसमें आपको मिल जाती है, USB चार्जिंग सॉकेट है, ये देखिए दो, ये वाला बंदे के लिए और ये वाले बंदे के लिए, दोनों को इंडिविजुअल USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। AC वेंट्स भी बहुत ज़्यादा सही है, ये देखिए ये वाला AC वेंट है, इंडिविजुअल AC वेंट्स एंड इंडिविजुअल रीडिंग लाइट, ये देखिए ये रीडिंग लैम्प है, और कुशनिंग पे बहुत ज़्यादा सही खर्चा किया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये वाला जो उनका चीज़ है ना, दिस थिंग अबाउट देम आई एम लाइकिंग इट अ लॉट। बाकी एक खुला लग रहा है, मतलब कंजेस्टेड ऐसा नहीं लग रहा है, अगर चलने में भी अगर देखूँ ना तो ये देखिए गैप बहुत ज़्यादा है, और सीट्स का जो लेंथ है ना वो भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक AC वेंट है और दूसरा वाला वहाँ पे है, और यहाँ पे आप अपना सैक बैग वगैरह आराम से रख सकते हैं, प्राइवेसी के लिए कर्टन्स है, ऊपर वाले बर्थ में भी अच्छा खासा मतलब बहुत ज़्यादा विंडो पेन आपको मिल जाता है, विंडो पेन में उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं बहुत बार ये पॉइंट कवर करता हूँ कि विंडो पेन नहीं देते, ये नीचे वाले बर्थ को तो देखिए भाई सब, इतना बड़ा विंडो पेन, B11R का जो लास्ट वाला बर्थ होता है ना उसमें भी ज़्यादा इतना बड़ा विंडो पेन नहीं आता, 2 फीट से ज़्यादा हो गया भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड अबाउट दिस। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कवर करता हूँ हर वीडियो में, ये लास्ट वाले बर्थ है ना, यहाँ पर जो लोग सोने वाले हैं उनके सिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो ये सब बर्थ्स है ना टिल द सेकंड लास्ट, वो सब लोग पीछे की ओर ये साइड को सिर करके सोएंगे, और ये वाले बंदे हैं ना वो उस साइड सिर करके सोएंगे। रीज़न ये है इसका कि अगर पीछे से कोई ट्रक या फिर दूसरी बस अगर बस को हिट कर जाए, ये वाली बस को, तो अगर ये लोगों का सिर यहाँ पे होगा ना सो इट विल मेक अ कंप्लीट डैमेज टू देयर हेड, जान ही नहीं बचेगी, अगर पैर यहाँ पे है तो एटलीस्ट जान तो बच जाएगी। कई बस बॉडी बिल्डर्स ये करते हैं, कोई नहीं करते हैं, पर दामोदर की हर बस में आपको ये मिल जाएगा देखने को, और 2 पिन चार्जिंग सॉकेट ही दिया हुआ है, 3 पिन भी दे सकते हैं, ये सब कस्टमाइजेशन में आता है, ऑनेस्टली आप USB+2 पिन USB+3 पिन सब कुछ करवा सकते हैं इस बस में, और विंडो पेन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये डिज़ाइन अच्छा दिखे ना इसलिए किया हुआ है, पर थोड़ा सा यहाँ तक आ जाता ना तो और ज़्यादा सही हो जाता, और लास्ट वाले बर्थ में थोड़ा सा कर्व आ जाता है तो स्पेस आपको थोड़ी सी कम मिल जाएगी, नीचे भी आप देख लीजिए। और दूसरा तीसरा सीसीटीवी कैमरा जो है ना वो यहाँ पे दिया गया है, एक तो रिवर्स पार्किंग कैमरा, उसको सीसीटीवी हम नहीं कह सकते, केबिन के अंदर एक है और ये दूसरा वाला है आपकी सेफ्टी के लिए, और ये वाला जो सनरूफ जैसा यूनिट होता है ना ये तो पहले एक तो सक्शन का काम करता है, गाड़ी में जितनी भी गर्म हवा है वो खींच लेता है, यू कैन से इट वर्क्स लाइक एन एग्जॉस्ट फैन। नीचे वाली भी एम्बियंट लाइटिंग बहुत ज़्यादा सही है, यहाँ पर भी एम्बियंट लाइटिंग येलो कलर की, ब्लू कलर की, CD की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है, एंड ये मैंने बाहर से दिखाया वो वाला इमरजेंसी एग्जिट है, इसको आप निकाल के CD नीचे करके उतर सकते हैं बाहर, और ये इमरजेंसी डोर है, यहाँ पर बॉटल होल्डर फिर मैगजीन होल्डर, फुट रेस्ट आराम से, और सीट्स के बीच में जो स्पेसिंग है ना वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सही की है, ये देखिए। तो यही था इस सानिया ट्रैवल्स की दामोदर मोटर्स बिल्ड 13.5 मीटर अशोक लीलैंड AC सीटर स्लीपर बस के बारे में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो कर दीजिए, DRUJ Mercedes Ulus Kenya पे, और इस चैनल DRUJ Guru को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।